नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में कि डिफरेंट स्टॉक्स में आपका अभी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बताते हैं हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जिसे देख करके आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। तो चैनल पर जाइए, इन सारे वीडियोज़ को देखिए और म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी जब से लॉकडाउन हुआ काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि इसका जो डेब्ट है 3 लाख करोड़ का, मतलब नेट डेब्ट 1,75,000 करोड़ का है। तो वो जो डेब्ट है अब रिमूव करने का प्लान जो है रिलायंस का बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। तो कई सारी बड़ी कंपनियों और ब्रोकरेज हाउस रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर रहा है और रिलायंस अपने डेब्ट को कम करने में सफल रहा है। और साथ ही साथ रिलायंस के भी काफ़ी न्यूज़ आ रहे हैं कि रिलायंस जो है हमारा फ्यूचर रिटेल में इन्वेस्ट करने जा रहा है, जैसे फ्यूचर के रिटेल के भी प्राइस में काफ़ी मोमेंटम देखने मिला है। तो सारे स्टॉक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो रिलायंस के स्टॉक का करेंट प्राइस देख सकते हैं 1,588 रुपीज़ है। और ये स्टॉक्स देख सकते हैं जो पैंडमिक सिचुएशन था उसमें जो गिरावट आया था, तो 867 रुपीज़ तक आ चुका था। समझ सकते हैं अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट किए होते तो अभी आपको 100% रिटर्न मिल गया रहता, क्योंकि ये 52 वीक हाई देखेंगे तो 1,618 रुपीज़ तक जा चुका है। मतलब आपको अप्रॉक्स 100% का रिटर्न मिल जाता रिलायंस जैसे स्टॉक में, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट का नंबर 1 शेयर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में नंबर 1 शेयर है। पहली वो कंपनी है जो 10 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को हिट किया है। तो समझ सकते हैं रिलायंस कितना बड़ा स्टॉक्स है, कितनी बड़ी ये कंपनी है। और इसके कई सारी सब्सिडरी कंपनियाँ हैं, जिसमें से जियो सबसे मेन है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ पहुँच चुका है। और इसके और भी कई सारे स्टॉक्स हैं, जैसे नेटवर्क 18, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, वो सारे स्टॉक में भी तेज मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्री में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि रिलायंस अगर अपने डेब्ट को कम करने में सफल रहता है तो यहाँ से ये स्टॉक्स आपको डबल प्राइस पे भी देखने मिल सकता है। क्योंकि अभी जो पैंडमिक सिचुएशन है उसके कारण रिलायंस का जो बिजनेस है अभी क्लोज है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसमें काफ़ी गिरावट सेल्स में देखने मिला है, तो इसलिए भी आप समझ सकते हैं उसके बावजूद रिलायंस में तेज मोमेंटम आपको देखने मिल रहा है। जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है तो इसके शेयर में काफ़ी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। अगर डेब्ट पूरी तरह से ख़त्म कर लेती है रिलायंस, अपने प्लान में सफल होती है, तो ये स्टॉक्स यहाँ से आपको दोगुने प्राइस पे भी देखने मिल सकता है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, आपको विचार करना है। हमारा कहना होगा कि आप इसमें जो SIP मोड है, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो अपनाएं। कुछ अभी इन्वेस्ट करें, मतलब जैसे थोड़ा सा करेक्शन आता है तो आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर और करेक्शन आता है तो फिर इन्वेस्ट करें, मतलब छोटे छोटे अमाउंट में आप लगातार इन्वेस्ट करें। तो इस तरह से आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टॉक्स जो हमारा है वो है डीमार्ट। ये भी काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि जो लॉकडाउन का सिचुएशन उसमें काफ़ी गिरावट देखने मिला बहुत सारे स्टॉक्स में, लेकिन इस स्टॉक्स में आपको बहुत कम गिरावट देखने मिला। देख सकते हैं 52 वीक हाई है 2,560, आप समझ लीजिए 52 वीक ये हाई के करीब ही है। 52 वीक लो है 1,280 रुपीज़, ये करीब है 52 वीक हाई के करीब, देख सकते हैं 2,400। और इसका जो मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट देखिएगा तो कभी भी इस स्टॉक में आप देख सकते हैं कभी भी इसमें भारी गिरावट देखने आपको नहीं मिला होगा। देख सकते हैं ये स्टॉक्स लगातार, इसका जो लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिएगा चार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो टेक्निकली रूप से देखते हैं तो आपको चार्ट देखना चाहिए कौन स्टॉक अपने चार्ट पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फंडामेंटली देखते हैं तो उसके सारे फंडामेंटल्स देखना चाहिए, बिजनेस में क्या ग्रोथ है, कंपनी का क्या बिजनेस है। तो सारी चीज़ें मतलब टेक्निकल चार्ट के ऊपर और फंडामेंटल्स के ऊपर ये कंपनियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये वो कंपनी है जो आपको लाखों रुपया को करोड़ों में बना सकता है आगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में कब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, तो आगे आने वाले समय में आपको देखना पड़ेगा कि ये कंपनियां किस तरह से परफॉर्म करती है। अगर सिचुएशन नॉर्मल होता है तो निश्चित ही कंपनियां काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी। तो इस स्टॉक में आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जैसे इसमें कुछ करेक्शन आता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें भी आपको वही SIP मोड में हर गिरावट पे, हर डीप पे आपको बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बस सिचुएशन जो अभी है वही इसे रोक करके रखा है, नहीं तो ये स्टॉक्स आपको 3,000
3000 से के आसपास अभी आपको देखने मिल सकता था ये स्टॉक्स, इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है ये। उसके बाद अगला स्टॉक्स है हमारा SBI कार्ड। दोस्तों SBI कार्ड IPO में जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था अभी सारे के सारे मतलब पछता रहे हैं, क्योंकि इसका जो IPO प्राइस था वो 755 रुपीज़ था, लेकिन ऐसा जताया जा रहा था कि ये 1100 के आसपास लिस्ट होगा, लेकिन उसके उल्टा पैंडमिक सिचुएशन कारण आप देख सकते हैं ये स्टॉक्स अपना 52 वीक लो 495 रुपीज़ तक आ चुका था। तो समझ सकते हैं इस स्टॉक में कितना उनको लॉस हो रहा है। तो वैसे आदमी जो इस स्टॉक में IPO में बाय किए थे अभी होल्ड करें, क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल होता है तो ये स्टॉक्स ईजिली अपने प्राइस को रिकवर कर लेगा। जो नए लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें, तो उन्हें जो है इस प्राइस पे अपना जो ये लो बना रहा है 500 के आसपास वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये स्टॉक मार्केट के डायरेक्शन पे निर्भर करता है, मार्केट हमारा किस डायरेक्शन में कोई नहीं कह सकता, ना हम कह सकते कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि सिचुएशन तो आप भी देख रहे हैं सिचुएशन ख़राब है, लेकिन मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्स करता है उस पर वो आगे आने वाले सिचुएशन पर निर्भर करता है कि हमारा आगे आने वाला सिचुएशन अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है तो हो सकता है मार्केट उसे निगेटिव ले ले तो आपको करेक्शन देखने मिल सकता है, लेकिन अगर सारा चीज़ ऐसा आ सकता जाता है आगे ठीक हो जाएगा तो मार्केट पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है उस पर, तो फिर ये स्टॉक्स आपको नीचे देखने नहीं मिल सकता है। जनरली हमारा है SBI कार्ड जो यूज होता है मेट्रोपॉलिटिक सिटीज में होता है, मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं मुंबई दिल्ली पुणे, तो यहाँ पर लॉकडाउन के कारण अभी SBI कार्ड यूज हो नहीं रहा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से इसमें आपको करेक्शन देखने मिल रहा है, क्योंकि इसका बिजनेस भी प्रभावित है, आगे भी प्रभावित रहने वाले हैं, बहुत दिनों तक कोई मूवीज देखने नहीं जा रहे हैं, तो वैसे में क्रेडिट कार्ड का यूज बहुत ही कम हो गया है, लेकिन काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है ये। जैसे मार्केट नॉर्मल हो जाता है सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है निश्चित है इसमें प्राइस में मोमेंटम देखने आपको मिल सकता है, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बस वही वेट करना चाहिए कि जैसे ही अपने 52 जो लो है 500 के आसपास आता है तो आप इसमें SIP मोड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से गिरावट भी आता है तो लॉन्ग रन में आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हम जानते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं हमेशा कि आप जब भी इन्वेस्ट करें एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए करें, अच्छे प्राइस पर भी स्टॉक मिल रहे हैं अभी आप कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम पेनी स्टॉक्स, आलोक इंडस्ट्री रिटेल इन्वेस्टर के फेवरेट स्टॉक्स में से एक। आलोक इंडस्ट्री देख सकते हैं यहाँ पर आज आपको बाइंग करने का मौका था, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं इसमें बाय करना, लेकिन ये स्टॉक्स है कि मौका ही नहीं दे रहा है किसी को। ये स्टॉक भी देख सकते हैं कि अपना देख सकते हैं लगातार अपर सर्किट हिट करते हुए ये स्टॉक्स आपको देखने मिल रहा है। आलोक इंडस्ट्री यहाँ देख सकते हैं वन मंथ लगातार देख सकते हैं कि किस तरह का चार्ट है, आप देख सकते हैं लगातार ये मतलब ये डायरेक्ट ऊपर की ओर ही जा रहा है ये स्टॉक्स। सिक्स मंथ में देख सकते हैं ये जब लिस्ट हुआ हमारा फरवरी में, मतलब रीलिस्ट हुआ तो वहाँ से ये लो 4 रुपीज़ तक गया, उसके बाद ये देख सकते हैं लगातार इसमें यहाँ पर फिर से मौका मिला था आपको 7 रुपीज़ के पास इंटर करने का, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार इसमें अपर सर्किट तो बाइंग करने का मौका आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन ये कब मतलब लोअर सर्किट लगेगा कब अपर सर्किट ऐसे स्टॉक में कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन ये रिलायंस ग्रुप का स्टॉक है इसलिए लोग इसमें बहुत ही पॉजिटिवली बाइंग कर रहे हैं कि बहुत ही पॉजिटिव है उनका माइंडसेट के इसमें ये एक मल्टीबैगर रिटर्न देगा रुचि सोया की तरह, लेकिन रुचि सोया एक कोई मल्टीबैगर रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन आलोक इंडस्ट्री आपको हो सकता है कि एक मल्टीबैगर रिटर्न दे दे। रुचि सोया का मतलब वास्तविकता क्या है, मतलब क्या वास्तविक रूप में उसमें मल्टीबैगर रिटर्न मिला है या नहीं, वो हमने एक वीडियो में आपको बताया था, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोज आप देख सकते हैं या चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक्स हो सकता है कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे, क्योंकि जो 4 रुपीज़ में बाय किए होंगे उनको अभी 700% का रिटर्न मिल चुका है, तो समझ सकते हैं कि ये स्टॉक्स आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे भी सकता है क्योंकि रिलायंस ग्रुप का स्टॉक्स है, लेकिन आपको इसके बिजनेस को देखना पड़ेगा आगे इनके बिजनेस का प्लान क्या है, हर चीज़ को देखना पड़ेगा, कंपनी का वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, तो सारी चीज़ देख के इन्वेस्ट कीजिएगा, ऐसे नहीं कि आँख बंद करके आप इन्वेस्ट करते जाएँ, क्योंकि ये भी एक पैनी स्टॉक्स है और अभी भी देख सकते हैं ये लगातार अप ट्रेंड में है, तो अभी आप इसमें थोड़ा वेट करें बात करें, क्योंकि ऐसे भी अभी आप इसमें बाइंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि लगातार अपर सर्किट लग रहा है। तो चलिए अगले स्टॉक में चलते हैं, इसमें आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए आपको खुद सोचना है, अगर इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो आप छोटे अमाउंट 200-300 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या होता है आगे।
उसके बाद हमारा अगला जो जिसे आप मल्टीबैगर समझते हैं आलोक रुचि सोया, उसी रुचि सोया के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। रुचि सोया देखते हैं यहाँ पर आज जो पिछला ट्रेडिंग डे है वहाँ पे भी ये पहले लोअर सर्किट लगाया और फिर डायरेक्ट अपर सर्किट, मतलब क्या गेम इसमें चल रहा है आप भी समझ सकते हैं। आपको अभी इस प्राइस पर इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए क्योंकि ये जो है जो 100 स्टॉक्स है उसके बदले एक स्टॉक्स जो है अपने इन्वेस्टर को दिया था, तो जो भी मतलब 9 रुपीज तक जो भी बाइंग किए थे इसमें सबका प्राइस रिकवर हो गया, तो अब इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई ट्रेडिंग देख सकते हैं, कभी अपर सर्किट कभी लोअर सर्किट, 6 मंथ का चार्ट देखिएगा यहाँ से देख सकते हैं, लगातार अपर सर्किट फिर यहाँ लगातार लोअर सर्किट, 700 गया वहाँ से लगातार लोअर सर्किट 500 तक और फिर यहाँ से लगातार अपर सर्किट, तो क्या चल रहा है इसमें गेम आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक्स कभी लगातार लोअर सर्किट तो कभी लगातार अपर सर्किट, जबकि इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाने चाहिए। अभी बहुत सारे आप चैनल पर देखिएगा कि रुचि सोया जो है टॉप 100 कंपनीज में आ चुका है, अब और यहाँ से तेज़ी के रफ्तार के साथ इसका प्राइस ऊपर जाएगा, तो बहुत सारे मतलब हमारे रूमर्स हैं, बहुत सारे इसमें न्यूज आते रहते हैं, तो आपको अपना स्ट्रेटेजी अपनाना है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका है, तो ऐसे प्राइस पे आप इसमें ट्रैप हो सकते हैं। अगर आप इसमें अभी इन्वेस्ट करते हैं ये प्राइस नीचे आ गया तो फिर आप इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये आप कोई मल्टी बैगर रिटर्न नहीं दे सकता। यहाँ से ऐसा नहीं कि ये 900 से 9000 चला जाएगा, वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप इसके रिजल्ट पर ध्यान नहीं रखते हैं कि कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है, कंपनी आगे बिजनेस में कैसा ग्रोथ है, तब तक आप इसको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको इसमें देखना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए कि क्या ये कंपनी आगे भी मतलब एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा। इसमें कोई मल्टी बैगर रिटर्न नहीं है, शेयर होल्डर जो है उनको 100 शेयर के बदले 1 शेयर मिला था, और जैसे ये ओपन हुआ था देखते हैं यहाँ से लगातार अपर सर्किट, किसी को बाय करने का मौका ही नहीं मिला। कोई यहाँ पर बाय करता तब तो उसे मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त होता, किसी ने बाय नहीं किया रिलिस्ट होने के बाद, सब ने पहले से ही बाय किया था, उसे 100 शेयर के बदले 100 शेयर दे दिया गया, तो आप समझ सकते हैं 9 रुपया में बाय किया तो उसका 900 प्राइस तो ऐसे हो गया, क्या कि 100 शेयर के बदले 1 शेयर मिला उन्हें, तो इसमें कोई मल्टी बैगर रिटर्न नहीं मिला क्योंकि कोई बाय ही नहीं कर सका यहाँ पर नीचे के प्राइस पर, क्योंकि जिनके पास शेयर था वो बेच ही नहीं रहा था कोई। ऐसा कह रहा है कि 1200 तक ये शेयर जाएगा, तो आप अपना इसमें स्ट्रेटेजी अपनाइए, अपना भी रिसर्च कर लीजिए अगर बाय करना चाहिए या नहीं, क्या वास्तव में ये 1200 रुपया जाएगा या नहीं जाएगा। उसके बाद अगला स्टॉक्स है हमारा TV18 ब्रॉडकास्ट, ये भी रिलायंस ग्रुप का स्टॉक्स है। ये स्टॉक्स भी देख सकते हैं कि पहले बहुत ही हाई प्राइस का हुआ करता था, लगातार इसमें अंडर परफॉर्म रहा ये स्टॉक्स, क्योंकि इसमें काफ़ी बिजनेस में फॉल देखने मिला, लेकिन अभी 1 महीने से देख सकते हैं इसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिला है। यहाँ देख सकते हैं इस स्टॉक में काफ़ी गिरावट आया था, वहाँ से फिर से ये काफ़ी तेज़ी देखने मिला है पिछले 2-3 महीने से, और ये स्टॉक्स अभी देख सकते हैं 30 रुपीज़ के प्राइस पर आ चुका है, क्योंकि इस कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी इंक्रीज हुआ, इसलिए भी इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने मिल रहा है, और रिलायंस ग्रुप का स्टॉक है। अभी रिलायंस ग्रुप में आग लगी हुई है, आप समझ सकते हैं कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है रिलायंस ग्रुप में, और रिलायंस का जो डेप्ट है वो काफ़ी कम किया जा रहा है, तो ऐसे में सारे स्टॉक्स में तेज़ी देखने आपको मिलेंगे रिलायंस ग्रुप में, TV18, नेटवर्क 18, हाथवे केबल्स, ये सारे स्टॉक जो है रिलायंस ग्रुप के स्टॉक जो है छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जिसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिला है। ऐसा भी न्यूज़ है कि जो नेटवर्क 18 है, TV18 ब्रॉडकास्ट, हाथवे केबल, डेन जो है इसका सारे स्टॉक्स जो है उसको मतलब सारी कंपनियों को मर्ज किया जाएगा नेटवर्क 18 में, और नेटवर्क 18 का भी प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने 52 वीक हाई प्राइस पे है, यहाँ पर देख सकते हैं मतलब 1 ईयर्स के हाई प्राइस पे, लेकिन ऑल टाइम्स हाई देखिएगा तो ये स्टॉक्स का भी देख सकते हैं 400 रुपीज़ का हुआ करता था, वो भी 2008 में, तो समझ सकते हैं ये स्टॉक मतलब ये कंपनियाँ कितनी मतलब बिजनेस में फॉल आ चुका था, इसे रिलायंस ने ओवरटेक कर लिया, तो अब आप इसमें देख सकते हैं फिर से तेज़ी देखने मिल रहा है। तो इन सब स्टॉक्स में आपको खुद का स्ट्रेटेजी अपना चाहिए, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे ये स्टॉक्स अब रिलायंस ग्रुप में आ चुका है, तो ये धीरे धीरे इसे फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, तो आप इस पर चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वही अमाउंट आपका छोटा होना चाहिए, आप अपना जो टोटल कैपिटल है उसका 1-2% इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हाथवे केबल्स है, ये सब हम पहले भी बताए थे रिलायंस ग्रुप के जो 5 पेनी स्टॉक्स है जिसमें से आलोक इंडस्ट्री, TV18 ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क 18,
और उसके बाद हाथवे केबल, डेन टीवी नेटवर्क, ये सारे जो है आपको रिलायंस ग्रुप के जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं वो हैं। तो आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, तो ये आपको निर्णय करना है। देख सकते हैं ये भी स्टॉक्स का भी 72 रुपीज़ का हुआ करता था, अभी देख सकते हैं आप भी ये 24 रुपीज़ का है। ये भी काफ़ी तेज़ी देखने मिला है, ये भी अपना प्राइस जो है लगभग 100% रिटर्न दे चुका है अब पिछले 2-3 महीनों में। देख सकते हैं यहाँ से आप 11 रुपीज़ से ये 24, मतलब ये तो 121% तक का रिटर्न दे चुका है, समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला आता है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। हमने भी पहले भी कहता पेन स्टॉक्स में आप ना फंसें, आप देख सकते हैं इसमें लोअर सर्किट लगने लगा। अब यहाँ पर पहले अपर सर्किट हिट किया, कोई यहाँ पर बाय किया होगा 3 रुपीज़ 90 पैसा पर, अब तो वो फंस चुका है, अब उस एहसास हो रहा होगा कि हमने इसमें क्या किया, क्योंकि ये स्टॉक्स आप देख सकते हैं अपने हाई प्राइस पे आ चुका है। तो आपको अभी इस स्टॉक में बाइंग नहीं करना चाहिए, अगर इसमें इन्वेस्ट नहीं करना था तो आप यहाँ पर नीचे के प्राइस पर जो 1 रुपीज़ है यहाँ पर आप जो है 100 रुपया 200 रुपया इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। मेन आपको कंपनी के बिजनेस को देखना चाहिए, इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इसमें अभी आपको अवॉइड करनी चाहिए ऐसे पेन स्टॉक में। वैसे पेन स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिसमें बिजनेस में ग्रोथ हो, जिसका बिजनेस मतलब ग्रोथ है ही नहीं आगे, जिसमें प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हो रहा, तो वैसे बिजनेस में आपको इन्वेस्ट ना करना चाहिए। तो आई बटन पर क्लिक करके आप इसके डिटेल वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं वोडाफोन आइडिया, ये भी काफ़ी न्यूज़ में स्टॉक्स देखते हैं। AGR का जो न्यूज़ था, AGR का न्यूज़ अगर पॉजिटिव रहता है इसमें तो निश्चित है इस स्टॉक में आग लग सकता है। अगर AGR का रिलीफ इसे मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट के तहत, मतलब गवर्नमेंट की ओर से, तो निश्चित है ये स्टॉक्स आपको बहुत ही एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसका जो डेप्ट है मतलब वो भी है, ऊपर से AGR ड्यूज़ भी है, तो बहुत सारे इस कंपनियों के निगेटिव में है, बहुत सारी चीज़ें निगेटिव में है। तो ऐसे में आप इस कंपनियों में इन्वेस्ट करने से बचें। ऐसे भी ये स्टॉक्स जब आप 3 रुपीज़ पे था तभी हमने कहा था आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस समय कर सकते थे, अब आप इसमें इन्वेस्ट करने से बचें, क्योंकि अभी जो आपको ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, वो काफ़ी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं। आप इस स्टॉक में, ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है बताइए, तो इस स्टॉक के ऊपर बहुत सारे कर्ज है, AGR ड्यूज है, तो ये स्टॉक्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पा रही ये कंपनी, तो आपको कहाँ से ये रिटर्न देगा। तो ऐसे कंपनियों में आप इन्वेस्ट करने से बचें। इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं तो आपको हमेशा कह रहे हैं 100-200 रुपया आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं फ्यूचर रिटेल। आप फ्यूचर रिटेल एक मंथ में देखिएगा इसका रिटर्न, तो देख लीजिए एक मंथ में आप रिटर्न देख करके चौंक जाइएगा, 57% का रिटर्न। क्यों? क्योंकि रिलायंस इसमें स्टेक बाय करने का न्यूज आया है, जब से न्यूज आया है तब से इसमें आग लगी हुई है फ्यूचर रिटेल में, कि इसमें रिलायंस रिटेल जो है इसमें इन्वेस्ट करेगा। देख सकते हैं तब से इसमें काफ़ी मोमेंटम देखने मिला है। तो इस तरह के न्यूज वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बचें। अगर वास्तव में रिलायंस इसमें इन्वेस्ट करती है तो इसका जो पहले से प्रमोटर्स है उससे मतलब छिन जाएगा और प्रमोटर्स ग्रुप रिलायंस बन जाएगा। तो इस तरह से इसमें अमेजोन का भी इन्वेस्टमेंट है, मात्र 2-3% है, 2% है, तो इस तरह से छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस अगर इसमें इन्वेस्ट करती है तो निश्चित है इस कंपनी को ओवरटेक कर लेगी रिलायंस। उसके बाद ट्रीडेंट लिमिटेड, इस स्टॉक में हमने बाय करने के लिए बोला था आपको जब 4 रुपीज़ प्राइस पर था। ये स्टॉक्स अच्छा है क्योंकि ये स्टॉक्स 4 रुपीज़ का स्टॉक्स नहीं है, ये तो 60 रुपीज़ का स्टॉक हुआ करता था। इसे स्प्लिट किया गया फेस वैल्यू को 10 के रेशियो में, मतलब 10 से 1 रुपीज़ में, जिससे ये स्टॉक्स आपको 4 रुपीज़ 3 रुपीज़ तक आ चुका था। तो ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते थे। अभी आप देखते हैं ये भी स्टॉक्स जो है अपने हाई प्राइस पे चल रहा है, तो अभी आप इसमें भी इन्वेस्ट करने से बचें। पीछे बीच में न्यूज़ भी आया था कि अमेरिका का कोई जो है टाइप इसे मिल गया है, जिसके कारण इसमें आग लग चुकी थी। देख सकते हैं यहाँ से ये डायरेक्ट 2 गुने प्राइस पर चला गया, देखते हैं यहाँ से 50% रिटर्न। तो इसलिए आप इसमें भी इन्वेस्ट करने से अभी बचे। इसमें मतलब आपको नीचे के प्राइस पर मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं 3 रुपये 30 प्राइस तक ये आ चुका था। उसके बाद हमारा है RBL बैंक, इस पर भी काफ़ी तेज़ी देख रहे हो, क्योंकि FIs है इस पर काफ़ी बाइंग किया, जिसके कारण इस स्टॉक में भी देखते हैं 57% के आसपास तेज़ी देखने मिला है। लेकिन आपको कहेंगे इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो HDFC बैंक है काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें ऐसे स्टॉक में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ऐसे भी काफ़ी, फाइनेंस सेक्टर काफ़ी इफेक्टेड है। तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में उन्हीं स्टॉक में बाय करें जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बचें।
हैं। तो ये कुछ बेहतरीन स्टॉक्स है जिसमें अभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन दबा लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।